राफेल पे जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए और कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी आप सामने आइए, राफेल मामले पे कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी और आप अपनी बात रखिए। और आपने देखा होगा 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में एक मिनट के लिए नहीं आ पाया, ढाई घंटे राजस्थान के युवाओं, ढाई घंटे निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया, भाषण की धज्जियां उड़ा दी हमने, हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाए। मगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी एक मिनट के लिए अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। लोकसभा में राफेल की चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी जी पंजाब भाग गए, पंजाब की यूनिवर्सिटी में भाग के भाषण देते हैं, मगर जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने एक मिनट लोकसभा में कदम नहीं रखा, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। राजस्थान के युवाओं, ये सच्चाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो। हमारे जवाब, सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चौकीदार, चौकीदार और चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। जब जांच एजेंसियां इनके कर्मों का हिसाब मांग रही है तो ये चौकीदार के विरुद्ध ही साजिश रच रहे हैं। भाइयों बहनों, दो तीन दिन पहले आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, हमें गर्व है हमारे देश की एक बेटी जो पहली बार देश की रक्षा मंत्री बनी है और पहली बार एक नारी 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा की बागडोर संभाल रही है। ये नारी गौरव का विषय है, नारी अभिमान का विषय है। और जब हमारी रक्षा मंत्री एक महिला ने पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, उनके सारे झूठ को बेनकाब कर दिया, आपने देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और हमारी रक्षा मंत्री एक के बाद एक सत्य को पार्लियामेंट के सदन पर रख रही थी। ऐसे बौखला गए, ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए हैं, एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है।